गुप्त ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जादूगर मणतु राजीव आज एक नया जादू लेकर के आया हूं। सबसे पहले मैं वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। अब इस जादू का रहस्य की ओर चलते हैं दोस्तों। उससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशंस समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। इस जादू के लिए आपको जरूरत पड़ेगा एक करेंसी नोट, कोई भी हो सकता है। इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है बीच में से, उसके बाद ऐसा फोल्ड कर देना, उसके बाद इस तरह ऐसा फोल्ड करके रख देना है। आपको एक सुई की जरूरत पड़ेगा और नायलॉन का पतला धागा इस तरह का, यह आपको बाजार में मिल जाएगा। बिल्कुल पतला है, नजदीक से देखने से ही दिखाई देगा, अन्यथा ये दिखाई नहीं देगा। तो ये धागा चाहिए, इस धागे के जगह मैं दूसरा लाल धागा लगा रहा हूं क्योंकि ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई देगा इसलिए। और एक छोटा सा सेलुलर टैप और एक पिन, पिन नहीं है तो एक बटन भी चलेगा, कोई भी एक बटन। हमने करेंसी को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब इसका जो कोना वाला हिस्सा है, ये चारों कोना एक जगह पर आया होगा, एक दो तीन चार, ये वाला। इसमें से तीन को निकाल देना है और चौथा कोना इसके ऊपर रखना है और वहां पे ये सुई से इस तरह से सुराख कर देना है और इसको निकाल देना है। धागा ये लाल वाला आपको दिखाने के लिए रखा है, ये बिल्कुल पतला काला वाला धागा होना चाहिए जो दिखाई नहीं देता, इसको ऐसे निकाल दीजिए। और इसके जो एंड है यहां पर गांठ लगा दीजिए तीन चार इस तरह से, मैंने पहले गांठ लगा कर रखा हूं, इस तरह से गांठ लगा दीजिए। और ये जब इस जगह पर आ जाता है तो लॉक हो जाएगा वहां पर। तो आपको क्या करना है, वहां पर एक छोटा सा सेलो टेप लेकर के इसे चिपका देना है ताकि वो हिले ना वहां से। अब इसका जो दूसरा एंड है वो किसी बटन लगा दीजिए यहां पर, नहीं तो ये वाला सेफ्टी पिन ऐसे लेकर के बांध दीजिए इसको। अब इस धागे को पिन वाला हिस्सा नीचे हमारा कपड़े के ऊपर कहीं लगा दीजिए और ये नोट को पॉकेट में रख दीजिए। इसे परफॉर्मेंस जब करते हो तो नोट को ऐसे निकाल करके दिखा दीजिए ऐसे।
अब ये धागा आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि लाल कलर का धागा लगाया हूं। अब इसको ये धागा इस उंगली के बीच में रख करके इसको हाथ में रख दीजिए। इसे जिस जगह पर हमने फोल्ड किया हुआ है वहां पर ये फोल्ड होता रहेगा इस तरह। अभी दूसरा फोल्ड होगा, अब तीसरा वाला। अब इसको लेकर के टोकन में डाल दीजिए।